मैरिन सोशल क्या पढ़ रही हैं आप? सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो क्यों सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी? मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में पॉलिसीज तो हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं, बट जो मेन मसला है वो ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी इसलिए पढ़ रही हूँ कि पॉलिसीज होने के बावजूद हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सकें ताकि वो वाकई में जिस लिए बनी है वो मकसद पूरा हो। तो कंपलसरी इलेक्टिव दोनों सब्जेक्ट्स हैं कॉलेज में, लिबरल आर्ट्स डिग्री है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट्स अभी तक मैं फोर्थ सेमेस्टर में मैंने चार पढ़े हैं, जिसमें रेट्रिक एंड कम्युनिकेशन था, हिकमा है जिसमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी पढ़ रही हूँ मैं, और उसके अलावा पंजाबी और सिंधी में आपको चूज करना होता है कि आप या पंजाबी लें तीन सेमेस्टर तक या सिंधी लें, तो मैंने पंजाबी चूज़ किया। और इसके अलावा इलेक्टिव में मैंने पिछले सेमेस्टर हया फातिमा इकबाल का एक कोर्स लिया था जिसका नाम था रिकवरिंग एथनिसिटीज़। वो शर्मीन उबैद चुनाई के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। उसमें पूरा जर्नलिज्म पढ़ा था मैंने, और फिर उस कोर्स को पढ़ने के बाद मैंने दो हफ्ते के लिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इंटर्नशिप की थी। उस इंटर्नशिप के दौरान मैंने अपने दो आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। घर में कैसा बात होती है? घर में थोड़ा कंफ्यूजन सा चलता है क्योंकि मैं खुद पठान हूँ और अम्मा अब्बा भी पठान हैं, बट वो दोनों आपस में पश्तों में बात करते हैं और अम्मा पश्तों में बात करती हैं लेकिन हम जवाब उर्दू में देते हैं, और अब्बा से सब उर्दू में ही बात करते हैं और वो भी उर्दू में ही बात करते हैं। आप पश्तो बोल लेते हैं? जी जी बिल्कुल। पंजाबी सीखने में क्या आपको फ़ायदा क्या लगता है? जैसे कि मैंने बताया मैं सोशल डेवलपमेंट पॉलिसी पढ़ रही हूँ, तो अगर हम पाकिस्तान के चारों प्रोवेंसेस को कंपेयर करें विद रिगार्ड्स टू एजुकेशन, तो पंजाब की जो एजुकेशन है वो इस वक्त सबसे बेहतर है और काफ़ी और तीनों प्रोवेंसेस से। तो मैं पंजाबी इसलिए सीख रही हूँ कि मैं क्योंकि मुझे पॉलिसी पे काम करना है और एजुकेशन पे काम करना है, तो उससे मैं जब तक वहाँ जाके वहाँ के नेटिव लोगों से उनसे उनकी ज़बान में बात नहीं करूँगी तो मुझे समझ नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और मैं कैसे फिर उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करूँ। ओके। किसी पठान का पंजाबी सीखना ये एक हारमोनी की तरह हमारे मुल्क को ले जा रहा है, और हमारा मुल्क जो है इस वक्त बच्चे भी बैठे हैं, हमारा मुल्क जो है वो आम मुल्कों की तरह नहीं, दुनिया इस वक्त नेशन स्टेट में बटी हुई है, ये अंग्रेज का, ये फ्रांस का, ये जर्मनी का, वी आर नॉट अ नेशन स्टेट, हम लोग एक इट्स लाइक एन एम्पायर, द वर्ल्ड हैज वो कहते हैं मोहम्मद असद माशाल्लाह एक पाकिस्तान के होनहार सितारे थे, ही वाज एन ऑस्ट्रियन ज्यू जिसको पाकिस्तान ने अपना यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था, मुसलमान हो गए थे मगर किसी ऑस्ट्रियन का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ये बड़ी बड़ी बातें जिनको हम देख चुके हैं हमारे पाकिस्तान में। हांगकॉन्ग का एक जज है जिसने किसी चीनी बदमाश को बड़ी लंबी सज़ा दी, तो मैं जब उस जज के बारे में पढ़ रहा था तो पता चला वो अंग्रेज है। तो अगर जहाँ भी अपराइट लोग हों उनको इज्जत दें आप, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस साहब वो मुसलमान नहीं थे, मगर वो अगर इंसाफ दे रहे हैं तो इंसाफ दे रहे हैं। तो मोहम्मद असद साहब का ही लिखना है अपनी किताब में कि दुनिया हमेशा से एम्पायर में रही है, सल्तनतों में रही है, ये बहुत नया एक्सपेरिमेंट है कि वो नेशन स्टेट्स में बढ़ गई और शायद ये दोबारा एम्पायर में चली जाए, तो पाकिस्तान औरों से फिर आगे होगा क्योंकि यहाँ के लोग मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ तौर तरीके और को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा वक्त देखा है और कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान दोबारा से बहुत अच्छा वक्त ना देखे। इस कॉन्फिडेंस से ये हम स्कूलों में जाते हैं, जिस एतमाद से बच्चे पढ़े आते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, वो हमें अपने बच्चों में या बहुत से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं वो बात नहीं मिलती।
ये एक क्या खास जादू है इन बच्चों में कि इनको पढ़ाने लिखाने से जितना ये समझते हैं, जितना ये आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है हम सब को कि ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह जरूर तब्दील करेंगे। आगे और भी बच्चे आ रहे हैं, बताएंगे आपको कि हम पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं, कैसे हम उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं अब अपने अगले तालिबे इल्म मेहमान को दावत देता हूँ, असद साजिद। असद कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची की एक कच्ची आबादी गीदड़ कॉलोनी में रहता हूँ। ये कहाँ है गीदड़ कॉलोनी? ये भैंस कॉलोनी की बिल्कुल साइड में वाक़ है। तो आपने टीसीएफ के स्कूल से पढ़ा, कब पढ़ा? मैंने टीसीएफ में एडमिशन तीसरी क्लास से लिया था, टीसीएफ आईआईएम कैंपस में। वो स्कूल क्योंकि फिफ्थ क्लास तक था तब, इसलिए मुझे सिक्स क्लास में एडमिशन के लिए किसी और स्कूल में जाना था। मेरे वालिद ने मेरा दाखिला इलाके के सबसे मशहूर स्कूल में करवाया। मेरा यूनिफॉर्म खरीदा जा चुका था, मेरी किताबें आ चुकी थी। मैं पहले दिन स्कूल गया, मैंने वहां तालीम का मैार देखा। मैं घर आया और मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं इस स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने टीसीएफ में दाखिला लेना। मेरे वालिद ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि अगला स्कूल कायदाबाद में अल मुहिमिन कैंपस 20 मिनट की दूरी पर था मेरे घर से। लेकिन मैंने जिद से अपने वालिद से फैसला मनवाया और अब मेरे वालिद ये कहते हैं कि वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। इस तरह मैंने मैट्रिक टीसीएफ अल मुहिमिन कैंपस कायदाबाद से 2013 में किया। मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीर कैट में प्री इंजीनियरिंग एडमिशन लिया। अपने सेकेंड ईयर में मार्च में मुझे आईबीए के कुछ वॉलंटियर्स ने आईबीए यूनिवर्सिटी बुलाया। मुझे इससे पहले यह नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम आईबीए है। मैं आईबीए आया, मुझे इन वॉलंटियर्स ने आईबीए के टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई, मैंने टेस्ट पास किया और इस वक्त मैं आईबीए में 100% स्कॉलरशिप के साथ बीबीए कर रहा हूं। शाबाश। अब क्या याद है? सर जब मैं 9 में था तब मुझे एक स्पीच कंपटीशन जीतने की वजह से टीसीएफ हेड ऑफिस बुलाया गया था। वहां मेरी मुलाकात टीसीएफ के सीईओ असद अयूब साहब से करवाई गई। जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो उनके कुछ कलीग्स पास खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि तुम चश्मा ही पहनते हो, तुम्हारा नाम भी असद है और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उनकी तरह। तो उस वक्त एक ख्याल मेरे जहन में आया कि इंशाल्लाह आईबीए से बीबीए करने के बाद, दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद, मैं इन्हीं की तरह, इन्हीं की कैपेसिटी में इस इदारे की खिदमत करूंगा। हाल ही में कोई स्कॉलरशिप क्या मिला है? अमेरिका को बात कर रहे थे लोग। जी, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट, एक स्कॉलरशिप है जिसमें आप अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जाकर 5 हफ्ते के लिए एक कोर्स करते हैं जिसमें आप पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पढ़ते हैं। पूरे पाकिस्तान से 30 बच्चे सिलेक्ट हुए इस प्रोग्राम में जिसमें मैं भी एक हूँ। खातून को बुलाना चाह रहा हूँ, टीसीएफ के स्टूडेंट, उनसे बातें करेंगे तो पता चलेगा वो कौन है। उज़्मा सलीम। उज़्मा, आपने बताया था कि आपके वालिद ने किसी किस्म का कोई स्कूल था नहीं, फिर टीसीएफ आया, टीसीएफ का प्राइमरी स्कूल खुला, फिर सेकेंडरी स्कूल खुला, फिर उसके बाद आपने मैट्रिक कर लिया। उस वक्त चंद ही बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक किया था, शायद वो पहली मरतबा टीसीएफ में किसी बच्चे को सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक करवाया था, चंद बच्चों। फिर क्या हुआ, आप कॉलेज गए? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने मेंशन किया है कि 2003 में मैंने टीसीएफ से ही मैट्रिक किया। उसके बाद फिर कॉलेज के अब्दुल्ला वालिद से मैंने इंटर किया और वो घर से काफी दूर था, बस में भी तकरीबन 1.25 घंटा लग जाता था और मुझे 2 से 3 बसेस चेंज करना पड़ती थी। और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया और मैंने फिर बीएससी किया मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में सर सैयद से, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया टीसीएफ में ही। टीसीएफ में? तो जब किसी और स्कूल से आप टीसीएफ में आए, कोई फर्क महसूस हुआ आपको
जी जी बिल्कुल, बहुत फर्क महसूस हुआ। दरअसल वो जो कोई और स्कूल था वो एक पब्लिक स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, जहाँ से मैं TCF में आई। और यहाँ पर मैं जरूर मेंशन करूंगी कि जब मैं TCF में आई थी, 8th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था TCF में, क्योंकि उससे पहले जो एरिया में कोई भी ना तो पब्लिक स्कूल था ना ही कोई प्राइवेट स्कूल था, और अभी तक भी इस तरह का कोई स्कूल नहीं है। खैर, वहाँ पर जब मैंने दाखिला लिया तो ना तो मुझे डबल डिजिट एडिशन आता था और ना ही मैं कहूँ कि मैं फर्क ज़्यादा कर सकती थी कि कैपिटल लेटर्स कौन से हैं और स्मॉल लेटर्स कौन से हैं और कहाँ पर सेंटेंस जो शुरू करना है, कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ आने हैं, कहाँ स्मॉल लेटर्स आने हैं। तो अभी भी मुझे याद है, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, मेरी उस्ताद मिस जवेरिया थी इंग्लिश की TCF में, उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ थी, उन्होंने मुझसे कॉपी ली और कॉपी पर एक एक लाइन लिख कर दी ताकि मुझे कम अज़ कम इस बात का अंदाज़ा हो सके कि जब हम जुमला बनाते हैं तो जुमले में ये स्पेस नाम की चीज आती है, स्टार्ट यहाँ से होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है, आपको उससे मार कहाँ पे लगाना होता है। BSc के बाद आपने TCF में काम करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ी। जी बिल्कुल, बस यहाँ पर मैं एक चीज लिंक करना चाहूंगी, पूछना जब BSc मैंने किया मैथमेटिक्स में, तो मैंने अभी मेंशन किया कि मुझे डबल डिजिट एडिशन भी नहीं आता था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, लेकिन मैंने अपना BSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में किया। साथ ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, रीडिंग तो फिर भी थोड़ी बहुत कर लेते थे लेकिन राइटिंग वगैरह का आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने इंग्लिश वहाँ पर TCF में एज एन इंग्लिश टीचर भी पढ़ाना शुरू किया। ये कर लिया आपने सफर, फिर इसके बाद? जी, उसके बाद फिर तकरीबन 3 साल तक मैं TCF के साथ एज अ टीचर एंड टीचर ट्रेनर एसोसिएट रही, लेकिन फिर महसूस हुआ और भी मशवरा भी दिया किसी ने कि यहाँ पर खत्म नहीं होना चाहिए तालीम का सिलसिला, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर मैंने MBA में दाखिला लिया बहरिया यूनिवर्सिटी में, और MBA मेजर इन फाइनेंस मैंने वहाँ से। तो MBA किसी ज्यादा होती है? जी, फीस काफी ज्यादा होती है, जैसा ये नाम बता रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो मुझे अभी भी याद है, इवन मेरे फादर भी यहाँ पर बैठे हुए, उन्हें भी याद होगा कि मेरी पहली जो फीस थी वो 92,000 रुपीज थी, और वो देखने के बाद उन्हें नहीं लग रहा था कि मैं एडमिशन ले सकूंगी, उन्हें बहुत शौक था पढ़ाने का। वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब मजदूरी करते हैं, वही करीब एक फैक्ट्री है वहाँ पर। तो फिर वो 92,000 जो मेरी पहली फीस थी वो TCF ने ही पे की, और उसके बाद भी MBA कर लिया। और उसके दौरान फिर MBA के दौरान ही यूनिवर्सिटी जाने के बाद पता लगा कि यूनिवर्सिटी से अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो यहाँ पर टॉपर रहना होगा अपनी क्लास का। तो काफी मेहनत की, तो थ्रू आउट द बैच में अपनी क्लास में टॉपर ही रही, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कई सिस्टम हो गया। स्टेट बैंक का तजुर्बा कैसा था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तजुर्बा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर मैं अपनी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट TCF में दाखिले को कहूंगी, तो दूसरा टर्निंग पॉइंट वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इंटर्नशिप करने का था। वहां पर जाकर और महसूस हुआ कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच होते हैं, मुंसलिक होते हैं, तो वहां पर आपके पास काम करने का स्कोप भी ज्यादा होता है और आप इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर तरीके से डाल सकते हैं। तो वहां पर एक नया फैसला लिया मैंने कि अब मैंने पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करना है। तो ये कैसे ज्वाइन करते हैं? ये उस वक्त मुझे भी पता नहीं था, तो फिर मैंने उसके लिए रिसर्च वगैरह शुरू की, तो फिर लगा पता कि एक मुकाबले का इम्तिहान होता है पूरे पाकिस्तान में, जिसको हम लोग सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS का एग्जाम कहते हैं। जी, वो मैंने फिर एग्जाम दिया, उसकी तरफ बढ़ी, वो दिया। जी बिल्कुल, वो दिया और 2014 में ही मैंने वो एग्जाम भी पास किया। कितने कितने लोग हमारे CSS के दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट देखी। कितने लोगों ने वो इम्तिहान, कितने लोग देते हैं या उसकी तरफ बढ़ते कितने लोग? जी बिल्कुल, उसमें शॉर्ट लिस्टेड होते रहते हैं लोग। उसमें पहले रजिस्ट्रेशन का मरहला आता है, तो तकरीबन 25,000 लोग रजिस्टर्ड थे। फिर उसके बाद जो एग्जाम में अपेयर होते हैं तकरीबन 16,000 थे, वो मेरे उस साल की बात है।
उसके बाद फिर रिटर्न का रिजल्ट आता है, तो रिटर्न में 439 लोग थे जो पास हुए थे। उसके बाद फिर एक और मरहला आता है जो कि साइकोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, उसमें उसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनी थी और डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स ने जो लोग एलोकेट हो चुके थे वो लिस्ट में 230 लोग थे और उनमें से एक होंगी। जी बिल्कुल, लाहौर में अकेडमी है, वहाँ पर कॉमन सर्विस पहले ट्रेनिंग पहले होती है, सीएसए 6 महीने की वो ट्रेनिंग मैंने वहाँ की, फिर वो पास आउट किया। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं एलोकेट हुई पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में, तो उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है 1 साल की, वो मुकम्मल की और अब पोस्टिंग हो गई। जी अब पोस्टिंग हो गई है और पोस्टिंग इस वक्त मेरी अकाउंटेंट जनरल सिंध में है और मैं भी काम कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। आपके जॉब की करंट जॉब कर रही है इसी नौयत क्या है, क्या करती हैं? अभी क्योंकि मैंने अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है, पोस्टिंग अभी हुई है, तो अभी मुझे जो पहला सेक्शन मिला है वो सिंध पुलिस का सेक्शन है। तो क्या पुलिस वालों का ऑडिट करती है? जी बिल्कुल, पुलिस वालों का ऑडिट होता है, मेरे पास प्री ऑडिट आता है एक्चुअली, और प्री ऑडिट ये होता है कि उन्होंने जो भी अपने एक्सपेंडिचर करने हैं हमने उनको ऑथराइज करना है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पुलिस के साथ ये करके तो क्या समझ में आया? दरअसल अभी तो बिल्कुल शुरुआत ही है, अभी मैंने शुरू ही किया है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं सिंध पुलिस के हाथ आ गई हूँ या सिंध पुलिस मेरे हाथ आ गई है।